एक दिन जब गौतम बुद्ध पेड़ की छांव में बैठकर ध्यान कर रहे थे, तो एक दुखी व्यक्ति आकर उनके चरणों में गिर गया। उसके चेहरे पर संताप साफ झलक रहा था। वह बुद्ध से अपने दुख दूर करने के उपाय पूछने लगा। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने निकट बैठाया और बोले, तुम व्यर्थ में चिंतित हो रहे हो। सुख दुख तो छाया की तरह है, हमेशा नहीं रहने वाले। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। किसी नगर में एक परोपकारी और उदार व्यापारी रहता था। उसके दरवाजे पर जो भी कोई जरूरतमंद आता, उसकी वह दिल खोलकर मदद करता। एक दिन व्यापारी के यहाँ एक आदमी आया, जिसके हाथ में एक पर्चा था, जिसे वह बेचना चाहता था। उस पर्चे पर लिखा था, सदा ना रहे। इस पर्चे को भला कौन खरीदता, मगर व्यापारी ने उसे झट खरीद लिया और अपनी पगड़ी के एक किनारे में उस पर्चे को बांध लिया। नगर के कुछ लोग व्यापारी से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने एक दिन राजा के पास जाकर व्यापारी की झूठी शिकायतें की। राजा ने उनकी बातों को सच मानकर व्यापारी को कारागार में डाल दिया। कारागार में व्यापारी बहुत दुखी था। काफी समय व्यतीत हो गया, मगर उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक दिन अचानक व्यापारी का हाथ पगड़ी की गांठ पर पड़ा। उसने गांठ को खोलकर पर्ची निकाली और उसे पढ़ा। पर्ची पढ़ते ही व्यापारी की आंखें खुल गई और उसने मन ही मन सोचा, तो फिर चिंता की क्या बात है, जब सुख के दिन सदा ना रहे तो दुख के दिन भी सदा ना रहेंगे। इस विचार के आते ही व्यापारी जोर से हंस पड़ा और काफी देर तक हंसता रहा। कारागार के बाहर खड़े पहरेदारों ने जब उसकी हंसी सुनी, तो उन्हें लगा मारे दुख के व्यापारी पागल हो गया है। उन्होंने तुरंत यह खबर राजा को दी। राजा आया और उसने व्यापारी से पूछा, क्या बात है, तुम इतने दुख में होकर भी इतना क्यों हंस रहे थे? व्यापारी ने राजा को सारी बात बता दी। उसने कहा, राजन, मनुष्य दुखी क्यों होता है? सुख दुख के दिन तो सदा बदलते रहेंगे। सुख और दुख तो जीवन के दो पहलू हैं। आज अगर सुख है तो शायद कल हमें दुख का सामना भी करना पड़ सकता है। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने व्यापारी को कारागार से रिहा किया और अपने घर जाने दिया। व्यापारी अब आनंद से रहने लगा, क्योंकि उसे ज्ञात हो गया था कि सुख की तरह दुख के दिन भी सदा नहीं रहते। बुद्ध के मुंह से ये कहानी सुनकर उस व्यक्ति के मन का बोझ हल्का हो गया और चेहरे से दुख की रेखाएं गायब हो गईं। उसने बुद्ध का आशीर्वाद लिया और निश्चिंत होकर अपने घर को चल पड़ा। तो मित्रों, अगर आपके जीवन में आज दुख के बादल छाए हुए हैं, तो यकीन मानिए, ये बादल एक दिन जरूर छंट जाएंगे। परिवर्तन तो संसार का नियम है। जैसे रात के बाद सवेरा आता ही है, वैसे ही दुख के बाद सुख आने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए डट कर अपने दुखों का सामना कीजिए और याद रखिए, सदा ना रहे। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक बटन जरूर दबाएं और ऐसी इंस्पायरिंग कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नई कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यह प्रेरक कहानियां अपने प्रियजनों तक पहुंचाने के लिए शेयर बटन दबाएं।